नवरात्रे शुरू हो गए हैं, रामलीला शुरू हो गई है, यानी कि त्योहार का सीजन आ चुका है। और जब त्योहार का सीजन आता है तो फिर मेले भी लगते हैं और जो एक मनोरंजन का कार्यक्रम होता है वो देखने को मिलता है। और आज जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो कुरुक्षेत्र के फैमिली फेयर की दिखा रहे हैं, जो शुरू हो चुका है और कई दिन से ये चल रहा है। अब नवरात्रे भी इसके बीच में जाएंगे, विजयदशमी का त्यौहार भी जाएगा, करवा चौथ का त्यौहार भी जाएगा, दिवाली का त्यौहार भी जाएगा, यानी कि तकरीबन एक महीने तक इसी तरीके से यहाँ पर चलने वाला है ये मेला। और इस मेले की खूबसूरती हम आपको दिखाएंगे कुरुक्षेत्र के अंदर। और कुरुक्षेत्र के अंदर ये मेला लगा है झांसा रोड पर, जिंदल पार्क के बिल्कुल नजदीक। एक एक दुकान हम आपको दिखाएंगे, एक एक झूला हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर लोगों से भी बात करेंगे। और यहाँ पर जो और ये मेला जिन्होंने लगाया है वो उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके का रिस्पॉन्ड मिल रहा है। दुकानें आप देखते जाइए और मस्ती करनी है अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ। तो आइए, क्योंकि एक के बाद एक बढ़िया झूले आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो आप झूल सकते हैं। ड्रैगन झूला है जहाँ पर बच्चे मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। खाने पीने की तमाम आइटम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये है कार वाला झूला और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपस में टक्कर मारते हुए, एंजॉय करते हुए, मस्ती करते हुए लोग यहाँ पर इस झूले का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि ये झूला बहुत कम देखने को मिलता है इस तरीके के मेलों में। क्योंकि ऐसा झूला एसएल वर्ल्ड या फिर अलग अलग जो बड़े मेले होते हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। कुरुक्षेत्र में लगा है फैमिली फेयर और वहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, तमाम लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ब्रेक डांस वाला झूला है और किस तरीके से यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। डर भी लगता है झूला झूलते समय तमाम लोगों को, लेकिन वो मस्ती भी करते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक के बाद एक झूलों का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं कुरुक्षेत्र के झांसा रोड के पास, जिंदल पार्क के बिल्कुल नज़दीक, जहाँ पर ये मेला लगा है, कुरुक्षेत्र फैमिली फेयर के नाम से है। ये दो झूले जो एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं, ये हर मेले की शान होते हैं, क्योंकि इन मेलों के अंदर सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है और लोग इन मेलों में मस्ती करते हुए नज़र आते हैं, इन झूलों पर मस्ती करते हुए नज़र आते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं इन झूलों का। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, करनाल में तो इस तरीके के मेले लगते रहते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र में जो ये मेला लगा है वो लगा है फैमिली फेयर है, झांसा रोड पर जो जिंदल पार्क है वहाँ पर। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बच्चों की मस्ती के लिए ये तमाम छोटे झूले भी लगाए गए हैं, ताकि जो बच्चे बड़े झूले नहीं झूल सकते, जहाँ पर उन्हें डर लग रहा है, तो अकेले में या अपनी फैमिली के साथ वो इन झूलों का आनंद ले सकते हैं। छोटे बच्चे किस तरीके से बॉल वाले झूलों में झूल रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, यही होते हैं बचपन के असली दिन। और जब इस तरीके के त्यौहार आते हैं, नवरात्रे आते हैं, रामलीला शुरू होती है, शाम के समय, रात के समय तमाम लोग खरीदारी करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, और जब मेले लगे हुए होते हैं तो फिर उनमें मस्ती भी होती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुरुक्षेत्र में ये मेला लगा हुआ है, फैमिली फेयर ये है, और ख़रीदारी करने का आपके पास एक अच्छा मौका है, यानी कि झूले तो आप झूल ही सकते हैं, उसके साथ साथ आप ख़रीदारी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बढ़िया जो घर में आपके खूबसूरत बनाने के लिए तमाम जो आइटम्स आप अपने घर में रखते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, चेयर, स्टूल या और अट्रैक्टिव चीज़ें जो आपके घर के अंदर चार चांद लगा देती हैं। सारा वुडन का यहाँ पर सामान आपको मिलेगा,
चाहे आप क्लॉक लेना चाहें या आप घर की रसोई का कोई सामान लेना चाहें, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राणा जी हमारे साथ हैं जो ऐसे झूले लगाते रहते हैं और उन्हें इन तमाम चीज़ों का अनुभव है, क्योंकि उन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर ऐसे तमाम मेले लगाए हैं। राणा जी, ये कहाँ पर मेला लगा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये झांसा रोड जिंदल पार्क में मेला लगा हुआ है। बस पहले मैं कुरुक्षेत्रवासियों को इनवाइट करता हूँ अपने मेले में कि झांसा रोड जिंदल पार्क में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, क्योंकि साथ ही भद्रकाली का मंदिर है। आप भद्रकाली के दर्शन करने के बाद यहाँ पे मेले में घूमने के लिए आ सकते हैं और नवरात्रों में पूरा आनंद ले सकते हैं। यह मेला दशहरा और दिवाली दोनों का आपको पूरा आनंद देगा। कौन कौन से झूले हैं, क्या क्या खाने की आइटम्स यहाँ रखी गई हैं, क्या क्या खरीदारी की आइटम्स यहाँ पर रखी गई हैं? झूलों की यहाँ पे फुल वैरायटी है। कोलंबस है, जॉइंट व्हील है, स्केटिंग कार है, ब्रेक डांस है, ड्रैगन है, कटरपिलर है, बोम्सी है। इसके अलावा छोटे झूले बहुत हैं, बच्चों के लिए हैं और पूरा फैमिली जो है कुछ ना कुछ फैमिली में झूलों में कुछ ना कुछ है। इसके अलावा ख़रीदारी में भी आप सहारनपुर का फर्नीचर देख रहे हैं, बाकी आप फ्लावर के स्टॉल हैं, जो गृह सज्जा के जो भी सामान है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा किचन वेयर हो गया, चूरन सुपारी हो गया और लेडीज़ के लिए स्पेशली ज्वेलरी, लेडीज सूट सब कुछ है। और खाने में जो फूड आइटम है पूरा फूड काउंटर लगा हुआ है। तो फूड काउंटर भी यहाँ पर लगा हुआ है, ख़रीदारी करने के लिए तमाम घर की आइटम्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और भी तमाम स्टॉल्स यहाँ पर लगी हुई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो झूलों की बात की, ये तो खाने की तमाम आइटम्स की बात की, ख़रीदारी की बात की, लेकिन आप गेम्स भी खेल सकते हैं, क्योंकि ऐसे झूले गेम्स के बिना अधूरे होते हैं। और तमाम जो फैमिली है यहाँ पर मस्ती के लिए आई हुई है और ये आप देख सकते हैं कि गन वाला एक गेम है जहाँ पर आपको निशाना लगाना है। अगर माचिस की डिबिया पर, यानी कि माचिस की डिब्बे पर निशाना लग जाता है तो उसके नीचे का सामान फिर आपका हो जाता है। इसके बाद अगली जो गेम है वो बॉल वाली गेम है। अक्सर इन तमाम झूलों के, इन मेलों के अंदर इस तरीके के जो गेम्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, यानी कि इस तरीके से आपको बॉल डालनी है और 6 बॉल्स आपके पास होंगी और इस तरीके से एक नंबर बनाया जाएगा। जो नंबर आ गया और उसी नंबर के हिसाब से जो सामने तमाम गिफ्ट रखे हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगला जो गेम है आप देख सकते हैं, ये बॉल है। बॉल के जरिए आपको निशाना लगाना है, हालांकि ये फुटबॉल है, और इस तरीके से पांचों गिलास आपको फेंकने हैं, वो मेज के नीचे चले जाएंगे तो फिर ये आपको ठंडे की बोतल मिल जाएगी। इसी तरीके से ये तमाम और आइटम्स हैं, इसमें आपको ये जो रिंग है वो फेंकनी है और अगर वो उसके अंदर आ जाती है तो वो उनका हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुरुक्षेत्र में ये मेला लगा है, कुरुक्षेत्र फैमिली फेयर के नाम से इसका नाम है। तमाम फूड आइटम्स आपको यहाँ पर मिलेंगी, तमाम फूड काउंटर आपको यहाँ पर मिलेंगे, खरीदारी करने का आपको मौका मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं किस तरीके से निशाना लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। वक्त होता है और वक्त में वो बचपन का भी आनंद उठाना चाहते हैं, इन मेलों की खूबसूरती का भी आनंद उठाना चाहते हैं। और फैमिली से भी हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों के साथ आनंद उठाने आए हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल, बच्चों का मन था कि ये आज कुछ तरह मेला लगा है तो आज शाम को चलो चलते हैं, थोड़ा इन्जॉय करते हैं। हाँ जी सर, तो बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। छोटी सी गुड़िया हमारे साथ है, बेटा निशाना बाद में। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं निशाना गुड़िया लगा रही है, उसे अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर तमाम ऐसे बच्चे अपने परिवार के साथ आए हैं, तमाम दोस्त आए हैं खरीदारी करने के लिए। आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं आर्टिफिशियल तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप टेडी बियर खरीदना चाहते हैं, बच्चे खिलौना खरीदना चाहते हैं, लेडीज पर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, यानी कि खरीदारी करने के साथ साथ आपको झूले झूलने का मौका मिलेगा और कुछ खाने का मौका मिलेगा, घर से बाहर निकलकर आनंद उठाने का
मौका आपके पास है और घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप कई बार निकल नहीं पाते हैं ख़रीदारी करने के लिए, तो यहाँ पर आकर आप ख़रीदारी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि खादी ग्रामोद्योग हर्बल प्रोडक्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तमाम ऐसे हर्बल प्रोडक्ट हैं जो आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अच्छी अच्छी घड़ियाँ यहाँ पर, अच्छे अच्छे चश्मे, हालांकि डुप्लीकेट ज़रूर हैं लेकिन आपकी जेब के अंदर है, आपके बजट के अंदर है। और ये जो आइटम्स होती हैं, आप किसी के नाम का रिंग बनवाना चाहते हैं, छल्ला बनवाना चाहते हैं, उसे गिफ्ट देना चाहते हैं, बच्चे ऐसी तमाम बॉल्स जो है अपने ड्राइंग रूम में रखना पसंद करते हैं, तो आप आ सकते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर जहाँ पर लगा हुआ है फैमिली फेयर और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, बच्चे खुश हैं क्योंकि झूले झूलने का उन्हें मौका मिल रहा है। 7 नवंबर तक ये पूरा मेला लगा हुआ है कुरुक्षेत्र के अंदर, झांसा रोड के नज़दीक जो जिंदल पार्क है वहाँ पर। और आप आइए अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ और एंजॉय कीजिए, आनंद उठाइए क्योंकि मस्ती तो करनी ही है और बड़े वक्त के बाद मौका मिला है, तो ज़रूर आइए अपनी फैमिली के साथ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।